प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग देखेंगे सामान्य हिंदी कक्षा 12 का 302। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा है। इसके बाद से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई है, तो सुनीता। जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई उपन्यास सुनीता है। ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था, तो ब्राह्मण पत्र का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। चिंतामणि रचना के लेखक हैं रामचंद्र शुक्लाचार्य, रामचंद्र शुक्ल। आगे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, तो वैदेही वनवास। सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद से आप देख सकते हैं उपमान मैले हो गए किसकी व्यक्ति पंक्ति है, तो यहाँ पे देख सकते हैं काव्य पंक्ति है, तो ये जो है अज्ञेय जी की है। इसके बाद से देखिए एकांतवासी योगी किसकी रचना है, श्रीधर पाठक की है। हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है, छायावाद, तो ये होगा छायावाद। इसके बाद से यहाँ पे देखिए ये तीसरा का गद्यांश, ये वाला गद्यांश राष्ट्र के स्वरूप में से है, ठीक है, तो ये राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा। शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पे देख सकते, इसके लेखक हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका संदर्भ हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। राष्ट्रीय जन्म अपने मानसिक भाव को किन रूपों में प्रकट करता है, इसको पढ़ेंगे तो ये सब जो है आप लोगों को इसी में इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देख सकते हैं, इसको भी आप लोग पदांश में देख सकते हैं, ये जो है कौन से जो है चैप्टर का है। इसके बाद से ये जो भी बताया गया है आपको, देखिए हमने दो दो जो है रचना या दो दो लेखक का जीवन परिचय गेस किया था, तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जरूर आया है। मैथिली शरण गुप्त एक और जो है गेस किया था, तो इसमें मैथिली शरण गुप्त लड़ा है। और बहादुर और ध्रुव यात्रा का हमने कहा था, ठीक है, या पंचलाइट, तो इसमें से दोनों आए हैं, ठीक है, कोई एक करना था। इसके बाद हमने रश्मिखंड काव्य का कथानक लिखने के लिए कहा था, तो ये भी आया है। इसके बाद से युवक मालवीय हमने कहा था कि मालवीय चैप्टर में से जरूर आएगा संस्कृत में, तो ये भी आया है। इसके बाद से नामे रोचते भद्र, ये भी जो है हमने कहा था कि इसमें से एक जरूर आएगा, तो ये आया है। इसके बाद से देखिए इधर निम्न मुहावरों में से किसी एक का अर्थ प्रयोग, तो ये आप लोग जानते ही होंगे कि दाल में काला होना कुछ संदेह होना होता है। आठवां दसवां अपठित गद्यांश पे जो क्वेश्चन हमने कहा था कि या तो संधि विच्छेद होगा या अपठित गद्यांश होगा, तो अपठित गद्यांश भी आया हुआ है। इसके बाद से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करिए, तो अनिष्ट 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 इसका जो है मतलब हुआ बुरा और निष्ठा रहित, बुरा और निष्ठा रहित, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। मात्र मात्र मातृ का ऑप्शन सही होगा, केवल और माता। निम्न शब्दों में से एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, तो तात मने होता है पिता, तात मने होता है सामान्य व्यक्ति। और निम्नलिखित वाक्यांशों में चयन करके, और जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं, तो मितभाषी कहते हैं। जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, अजर, ठीक है, अजर कहेंगे। इसके बाद से देखिए इसके बाद में से कुछ दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, तो गमला मेज पर है, मैं महेश को पढ़ाया हूँ, मैंने महेश को पढ़ाया है, मैंने महेश को पढ़ाया है, ठीक है, ये जो है ऐसे करके लिख सकते हैं। इसके बाद से हमने कहा था कि करुण अथवा शांत रस में से देख लीजिएगा, अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा हमने बताया था, चौपाई और दोहा बताया था, और
ये देखिए, ये स्पष्ट है कि बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के लिए आवेदन पत्र हमने जो बताया था, और यहाँ पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने जो है बताया था, ठीक है। तो यदि हिंदी पहले देखे होंगे तो ज़रूर आप लोग जान जाएंगे कि क्या क्या हमने बताया था। तो यही था इसका सलूशन। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।